दोस्तों शुभमन गिल के आउट होने के बाद सराहना करती हुई नजर आई सारा तेंदुलकर। दोस्तों दरअसल आज श्रीलंका बनाम भारत का वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसमें शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों जहां रोहित शर्मा 4 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए थे, इनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी की कमान विराट कोहली और शुभमन गिल ने ही संभाली थी और इन दोनों के बीच में 150 रनों की साझेदारी हुई थी, जिसमें शुभमन गिल ने पहले अर्धशतक लगाया था। दोस्तों इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 52 रन तक ये पहुंच चुके थे, मात्र 2 रन थे अपने 8 रन शतक से। तभी मधुशंका की इस गेंद ने एज ले लिया शुभमन गिल के बल्ले का और जाकर मैंडिस के हाथों में जाकर गिरी गेंद। मात्र 8 रन दूर थे शतक से इस वर्ल्ड कप में और आउट हुए शुभमन गिल। लेकिन जब वो आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, तब पवेलियन में से सारा तेंदुलकर ने तालियां बजाई शुभमन गिल के लिए। सिर्फ शुभमन गिल के लिए सारा तेंदुलकर नहीं, पूरा वानखेड़े स्टेडियम खड़ा होकर शुभमन गिल की इस पारी की सराहना कर रहा था मैदान पर। लेकिन दोस्तों आप शुभमन की इस पारी को 5 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।